basketball game. Welcome, Shri Bhakti Rao. Hello. Yes, sir. 853 areas of the district. हमें तो बड़ी खुशी हुई कि एडवाइजर साहब भदवाह में आए, हमसे मीटिंग ली उन्होंने। मीटिंग बड़ी खुशनुमा सिलसिले में हुई। हमने उनसे डिमांड रखी कि हमारी म्यूनसिपल कमेटी में जैसे लाइटें नहीं हैं, पार्क का जो मसला मेन बाज़ार का सैदी बाज़ार का पार्क का जो मसला है उसके बारे में की। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि ये पार्क भी जल्दी काम शुरू हो जाएगा, और साथ में जो गलियों का है, जो हम जो मुलाजमों का जो हमारा है जिनकी पे 6,000 रुपया है, वो सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं। हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि इनकी पे बढ़ाई जाए। हमें आश्वासन दिया गया कि जो काम आपने बताए हैं वो हम पूरे करेंगे, पूरा करने की कोशिश करेंगे। सर नासर साहब, पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि जब भी हमारा कोई प्रोग्राम होता है तो आप उसमें शामिल हो जाते हैं, आपकी कवरेज हमेशा रहती है। इसके अलावा हमारा जो भी इशू था, हमारा रोड का इशू था जो अपर डंडी के लिए था, उसका इशू भी मैंने आज उठाया, और वो अंदर डीसी साहब ने और एडवाइज़र साहब ने उनको नोट भी करवाया। उसके अलावा हमारा मसला था पंचायत में के जो बिजली के पोल्स थे, तारों का कुछ मसला था, उन पर भी उन्होंने गौर खोज किया। उसके अलावा पानी का जो हमारा मसला था, इन तीनों मुद्दों पे अच्छी तरह से इनके साथ बात हुई, और इन्होंने ये भी इंश्योरेंस क्या क्या इंश्योर किया हमें कि आप हमें थोड़ा सा लिख के भी दे दो तो हम ये काम करवा देंगे। और इन्होंने डीसी साहब को भी, मतलब जो भी मुतलका ऑफिसर थे उनको भी हिदायत की कि इन जगहों पे जाके चेक करो कि क्या क्या प्रॉब्लम है इन लोगों में आ रही हैं। कॉल कर चुके हैं उनको, परमानेंट करो, और जो मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हुआ है उसको फौरन से फौरन रिलीज कर दे। बड़ी मेहरबानी होगी सरकार की, क्योंकि हम बड़े उससे गुजर रहे हैं, गरीबी के तबके से गुजर रहे हैं, क्योंकि हमारी पूरी नहीं पड़ती है। 750 रुपये बड़ी कम तनख्वाह है, और हमने कहा एडवाइजर साहब से कि हमारा स्टाफ बड़ा कम है और एरिया बहुत बड़ा है, इसलिए थोड़े से बंदे भी अगर लगते हैं तो अच्छा रहेगा। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, ये पहला विज़िट था हमारे PRIs के होने के बाद जिसमें बसीर खान साहब यहाँ पर आए भदरवाह में, और उनने PRIs से मुखातिब हुए और बहुत अच्छा रिस्पांस था उनका, बहुत पेशेंटली उनने सुना। जहाँ तक मेरे मुद्दों का मसला था, जो मेरे जैसे आपने कहा तो यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे हैं ज़मीनी सतह पे जिनसे लोग दोचार हैं, जिनसे लोग परेशान हैं, वो कोई बहुत बड़े बड़े मुद्दे नहीं हैं। बाज़ वक़्त मैं आपको कुछ ऐसे मुद्दे बताऊँ, आप देखें मैं जिस पंचायत से आता हूँ वहाँ पर 2010 में एक रोड का जो है रोड बनाई गई, और अभी तक वो रोड जो है वैसी पोजीशन में है। केंद्रीय विद्यालय हमारे लोगों ने 200+ जो है कैनाल्स ऑफ लैंड वी हैव डोनेटेड, बट सो फार अभी तक भी वहाँ पर उसी पोजीशन में है जैसे ज़मीन दी थी वैसे कागज़ पत्रों में दफन है। तो उस मुद्दे पे मैंने बात की यहाँ पर एडवाइज़र साहब से, और उनने उसमें बहुत इमीडिएटली उस चीज़ को टेकअप करने की, और उसमें जो है एड्रेसल का मुझे जो है उसमें यकीन दिलाया है, और मुझे उम्मीद है वो उसमें जो है जितने भी बॉटलनेक्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के एंड से क्लियर होंगे। उस पर उन्होंने ऑन द स्पॉट डिप्टी कमिश्नर डोडा को जो है अहकाम दे दिए कि इसको फिल फोर जो है इसके कागज़ जो है अप्रोप्रिएट एंड पे भेजें ताकि उसमें जो मुआवजे का कंपनसेशन का इशू है वो हल हो। उसके बाद आप देखें मैं ज़्यादा दूर, आप यहाँ एक पंचायत है थुबा है, वहाँ पर देखें पानी की क्या पोजीशन है। वहाँ सिनोत में पिछले दिनों भी आपकी मीडिया की टीम गई थी, आप देखें वहाँ पानी नहीं है लोगों को पीने के लिए। आप शापन जैसा गाँव है जहाँ पर मेरे 200 से 250 लोग रहते हैं, 300 लोग रहते हैं, और वहाँ पर उनके पास सड़क नहीं है, तो आप चिंता में जाएं, पानी नहीं है। बनवे एक ऐसी जगह जहां से पूरी ऊपर से पाइपलाइन गुजरती है 2.5 इंच की, लेकिन नीचे लोगों को पानी नहीं है। जठानी जैसी जगह पे पानी नहीं है, थनाला जैसी जगह पे आपके पास पानी नहीं है। ये बहुत सारे इश्यूज हैं जिनसे हमारे लोग यहां पर दो चार हैं। उसके अलावा हमारा एक मसला था जी कि आप MG नरेगा का जो एक्ट है उसका जो पर्पज़ है उसको सर्व करें, वो एसेट क्रिएशन नहीं है। वो एक्ट जो है वो एम्प्लॉयमेंट गारंटी देता है 100 दिन की, और उस वक्त एम्प्लॉयमेंट चाहिए एक आदमी को जिस वक्त उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है। आप देखिए हमारा स्नो बाउंड एरिया है, अभी तक हमारा यहाँ पर कोई ऐसी एक्टिविटी जो है परमिसेबल वर्क्स में या प्रिंसिपल एक्टिविटीज जो हैं MG नरेगा एक्ट के अंदर, उनमें उन्होंने उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया। तो उसमें मैंने एडवाइजर साहब से रिक्वेस्ट की है कि आप स्नो क्लियरेंस ये जो है एक्टिविटीज जो है नरेगा के अंदर लाएँ, ताकि
एक गरीब का जो पर्पज़ है 100 दिन का रोज़गार जो है उसको मिले उस वक्त, जिस वक्त उसके पास कमाने के लिए कुछ नहीं है, जिस वक्त उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो ये मुद्दे थे जिनको लेकर मैंने आज एडवाइज़ साहब से बात किया। तो मुझे उम्मीद है, हम वी आर होपफुल इनफ कि इन चीज़ों का एड्रेसल होगा और कुछ ना कुछ हमें जो है देखने को मिलेगा। मैं रंजीत सिंह नास हूँ, जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट डोडा। आज हम ऑनरेबल एडवाइज़र खान साहब से मिले और हमने एस्ट्रल डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो यूथ इस वक्त बेरोजगारी शिकार हो रहे हैं, इसमें प्रोजेक्ट खुल रहे हैं, रेटले अनाउंस हुआ है, छतरगला है, इसमें हमने कहा कि यहाँ के लोग स्किल्ड एंड अनस्किल्ड जितने भी यहाँ हमारे पास लेबर्स हैं उनको ही मौका मिलना चाहिए। उसके अलावा यहाँ की रोड्स के मसले और नरेगा को वो हमने मेमोरेंडम दिया है और आज इसने अपने ऑनरेबल एडवाइज़र साहब ने गौर से सुना और यकीन दिलाया कि जो भी मुझ तक होगा वो इन मसलों को हल करेंगे। यहाँ के कुछ भद्रवाह के लोकल इशूज़ थे, कुछ भलेसा के थे, कुछ मरबत साइड के, जो भी यहाँ के डिस्ट्रिक्ट गोड़ा के जितने भी इश्यूज थे उस पर हमने बात की और एडवाइज़र साहब ने यकीन दिलाया कि जो उनकी दायरे अख्तियार में होगा वो इस पर फौरी एक्शन लेंगे। देखिए, आज ये भद्रवाह के लोगों की खुशकिस्मती थी कि आज यहाँ पे हमारे जो LG के एडवाइज़र जो है यहाँ पे भद्रवाह में हमारे तशरीफ़ लाए थे और आज हमने जो है जो मेन इशू हमारे भद्रवाह के थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट का इशू था, जो भद्रवाह को जो है डिस्ट्रिक्ट की मांग हमने की कि ये पुराना जो है हमारा भद्रवाह जो है पुराना भी वजारत हुआ करता था, आज इसको हमने डिस्ट्रिक्ट की मांग की। उसके अलावा यहाँ के बिजली, पानी, सड़क जो है उसके बारे में बात की। रिसेंटली जो यहाँ पे कोर्ट जो हमारा जो है आग की वजह से जो है जल गया, उस कोर्ट को जल्दी से जल्दी जो है रिस्टोर करने की मतलब कि हमने मांग की। उसके अलावा यहाँ पे एक टूरिज़्म के लिहाज से जो है मेरी पंचायत में जो है मोंडा पंचायत में नूरी फिल्म की शूटिंग यहाँ पे हुई थी, वहाँ के लिए एक रोड जाता है, उस रोड के बारे में मैंने आज तफसीलन इनके साथ बात की। उसके साथ साथ जो है यहाँ पे हमने बिजली के बारे में जो है ये कहा कि यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर वर्कशॉप जो है हमारे भद्रवाह में बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे ग्रिड स्टेशन जो है ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रिड जो है हमें यहाँ पे नाकाबिले बर्दाश्त जो है हमारा जो जितनी हमें ज़रूरत है वो ग्रिड यहाँ पे ना, ग्रिड मुझे लगता है कि एक रसीवी स्टेशन हमारा है, ग्रिड स्टेशन जो है एक बड़े स्तर पे और टावर जो है हमारे जो हैं टावर हमको मिलने चाहिए, ताकि यहाँ पे सर्दियों में जो है जैसे हवा थोड़ी सी चली तो यहाँ भद्रवाह में लाइट जाती है। ये बड़ी बड़ी डिमांडें जो है हमने यहाँ पे आज खान साहब के सामने जो है जो एडवाइज़र हैं LG के इनके सामने रखी और हमें उम्मीद है कि हमारे मसाइल जो हैं हमें लगता है कि इन पे गौर किया जाएगा। हम NC भद्रवाह की तरफ से एडवाइज़र साहब से कहा कि बचपन से हम लोगों ने यहाँ से सुना है कि 33 KV का फॉल्ट है, 33 KV का फॉल्ट है, तो वो फॉल्ट प्लीज़ मेहरबानी करके उसको ठीक किया जाए, यहाँ पे लाइट जो है रेस्टोर की जाए। नंबर दूसरा मुद्दा हमने ये रखा कि भद्रवाह में पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू है, गाड़ियों की पार्किंग कहीं नहीं है, कोई गवर्नमेंट लेवल पे कोई पार्किंग की कोई जगह देखी जाए और वहाँ पे पार्किंग रखी जाए ताकि रास्ते स्मूथ रहे। और तीसरा मुद्दा हमने ये रखा कि भद्रवाह में स्पेशल म्युनिसिपलिटी लिमिट में लैंड ड्रेन, टाइल्स वगैरह कहीं भी नहीं है, कोई सिस्टम ठीक नहीं, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जाए और इस पर नज़रसानी की जाए। एडवाइज़र साहब की तरफ से हमें अच्छा रिस्पांस मिला और हमने ये भी कहा कि म्युनिसिपल कमेटी भद्रवाह को ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स दिया जाए ताकि उससे जो है भद्रवाह म्युनिसिपलिटी में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो और भद्रवाह टाउन की हालत को सुधारा जाए। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा शेर खान साहब का, जिन्होंने आज टाइम निकाल के भद्रवाह की तरफ ध्यान दिया। हमारे इशू थे, एक दो इशू थे, ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि अगर ज़्यादा डिमांड करेंगे होती नहीं है। हमने जो अपनी पंचायत की तरफ तो वहाँ पे जो एक दो इशू उठाए, एक तो हमारा रोड का इशू है जो 12 साल से पेंडिंग है, उसमें मेटलिंग हो चुकी है लेकिन ब्लैक टॉप भी नहीं अभी तक हुई है, एक तो वो चीज़। दूसरा हमारा जो कंपनसेशन है बनता है 2 करोड़ 4 लाख रुपया, उसकी डिमांड रखी, उन्हें आश्वासन दिया पूरा। तीसरी हमारी डिमांड ये रही कि हमारा जो रोड था वो 250 मीटर का पैच जो है पेंडिंग पड़ा है, उसकी भी हमने डिमांड रखी। एक और सबसे बड़ा इशू था हमारी पंचायत नालडी के अंदर जो यात्रा जाती है कैलाश यात्रा, लेबर के रिलेटेड लेबर ने काम किया वहाँ पे, घोड़ू वालों ने, उसके बाद लेबर ने, वो लाइबिलिटी जो 3 साल से पेंडिंग थी लगभग वो थी 37 लाख रुपया, तो उसके रिलेटेड बात हुई, क्योंकि एक मजदूर जो दिन सुबह को
सुबह काम करता है, शाम को खाना खाता है, तो उसकी डिलीवरी बात हुई तो पूरा विश्वास वहाँ से विश्वास मिला कि आपका काम होंगे इंशाल्लाह। नासिर साहब, जो ही हमें पता चला कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइज़र साहब बशीर खान साहब भदवा तशरीफ ला रहे हैं, तो हम फौरन जो है भदवा के कुछ नौजवान यहाँ डाबोलो भदवा में पहुँचे, और खुशमस्ती भी हमारी ये देखिए कि प्रशासन की तरफ से हमें उनसे मिलने की इजाज़त दे दी गई। हमारे डेलीगेशन में शेख मुश्ताक साहब थे, शफकत साहब थे, इंजीनियर जोगिंदर जी थे हमारे साथ, और भी कई साथी थे, तो हम उनसे बड़े कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में मिले। तो सबसे बड़ी बात, हमने सबसे पहले कहा कि अभी रिसेंटली जो है कोर्ट कम्प्लेक्स जो हमारा हेरिटेज बिल्डिंग है वो जल गया है, 31 दिसंबर को वहाँ पर आग लगी थी, तो कम से कम उसको रिनोवेट किया जाए, उसके लिए रकम जो है वाहगुजार की जाए, डायरेक्शन दी जाए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, और साथ में जो सारना में नया कंप्लेक्स बनने जा रहा है उसका जो स्नेल पेस से वहां पे काम हो रहा है, जो पैसा है JKPCC को वो रिलीज नहीं किया जाता है, कम से कम उसका पैसा रिलीज किया जाए, ये हमने बात की। और आज से 6-7 साल पहले हमारा यहाँ पे SDM ऑफिस और ADC ऑफिस जो है उसको डिसमेंटल किया गया, कहा कि मिनी सेक्रेटरेट बनेगा, लेकिन अभी तक वहाँ जो है कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, ना तो हमारा उसका जो है मिनी सेक्रेटरेट बना, तो हमने ये भी उनसे सबमिशन की कि उसके काम को जो है वहाँ पे तेज़ी लाई जाए, मिनी सेक्रेटरेट वहाँ पे जो है बनाया जाए, क्योंकि हमारे लिटिगेंट जो है काफ़ी सफ़र हो रहे हैं, ये हमने बात की। और साथ में हमारा यहाँ पे ITI भदवा में है, और हमारा ITI में यहाँ पे न्यू कोई भी ट्रेड जो है इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, हमने कहा कि इसको पॉलीटेक्निक जो है यहाँ पे इसको कॉलेज अपग्रेड करके टेक्निक कॉलेज को बनाया जाए, और भदवा कैंपस जो है हमारा इसको फुल फ्लैश यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, नए सब्जेक्ट जो है वहां पे इंट्रोड्यूस किए जाए, भदवा में कंज्यूमर फोरम का जो है यहां पे एस्टेब्लिश किया जाए कंज्यूमर फोरम, और हमने जनाब अली यहां पे जो टावर लाइन है डोडा से लेके भदवा तक, कहा कि इसको टावर लाइन बनाया जाए ताकि इनअपरेटेड जो हमारे को यहां वाटर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमें मिल सके। हमने यहां पे डिस्ट्रिक्ट की बात की कि हमारे विकार की खातिर, हमारी बका की खातिर हमें जो है डिस्ट्रिक्ट दिया जाए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट की हमारी एक डिमांड है, वही हमें बचा सकता है, अगर कुछ ना दें वो तो कम से कम हमें डिस्ट्रिक्ट दिया जाए तो हमारी जितनी और यहाँ हमारे कॉलेज से यहाँ पे सैंक्शन पोस्ट है हमारी उर्दू की और केमिस्ट्री की, उनको यहाँ से रिमूव कर दिया गया। हमने कहा कि इनको जो है दोबारा जो है इनको रिटेन किया जाए, हमारे को उन्होंने बड़ी पेशेंसली सुना हमारी, और टूरिज्म के रिलेटेड हमने बात की भदवा डेवलपमेंट अथॉरिटी के जितने भी कैजुअल लेबरर्स हैं उनको रेगुलराइज कीजिए उन्होंने, और शहरी बाजार में जो पार्क है डिट्राइडिंग कंडीशन में शबी कंडीशन में है, इसको जल्दी से जल्दी कंस्ट्रक्ट किया जाए। तो एडवाइजर साहब ने हमें बड़े गौर से सुना और कहा कि आपकी सारी मांगों को जो है पूरा किया जाएगा, और अप्रिशिएट किया कि उन्होंने कि भदवा के नौजवान जो है मुझसे मिलने के लिए आए हैं। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आज मुझे एडवाइजर साहब से मिलने के लिए 2 डेलीगेशन के साथ जाने का मौका मिला। सबसे पहले हमारा जो यहाँ के भदवा के सरपंचस थे उनके डेलीगेशन के साथ मैं गया, और हमने आम जब सरपंचों से जो पंचायत के मसले थे उनसे रिलेटेड जो हमारे मसाइल थे उन पर बात की, जैसे हमारे पंचायतों के अंदर पंचायत घर नहीं है, हमारे जो नरेगा में हमें डेली जो परेशानी आ रही है, और हमारे पंच भाई हैं उनको जो है सैलरी जो एक मंथली जो 1000 मिलती है, हमने कहा वो भी बढ़नी चाहिए। तो हमारी बातें जो एडवाइजर साहब ने बड़े गौर से सुनी और कहा कि इस पर जल्द से जल्द कोई ना कोई कलमी इस पर कार्रवाई की जाएगी और अमल में लाया जाएगा। उसके बाद मैं अपने ट्राइबल से रिलेटेड मैं गद्दी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और UT जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट भी हूँ, और हमारा भी बड़ी देराना मांग चल रही है, जैसे कि हमें ट्राइब का 91 के अंदर स्टेटस मिला हुआ है मगर बेनिफिट उसका कोई भी नहीं मिलता है, और आज काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। बाकी हमारा जो भी डॉक्यूमेंट्स लेवल पे काम है वो हो चुके हैं, तो हम यहाँ पर अब इस वक्त एडवाइजर साहब से मिलने का यही एक मुद्दा था कि हमारे उस मसले को हल किया जाए। तो हमने इनको कहा कि हमारे जैसे हमारे बच्चों के लिए हमारे हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं हैं, उसके बाद जितनी भी ट्राइबल स्कीम हम तक नहीं पहुँचती है, तो हमारे एडवाइजर साहब ने बड़े गौर से हमारी बात सुनी और हमें यकीन दिलाया कि जल्द से जल्द इस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।